नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। भाजपा और सपा की लड़ाई में अब की बार हाथी का दांव क्या गुल खिलाएगी, इसे लेकर दावे से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन विरोधियों के खेमे में कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि हाथी आजमाई हुई तरकीब चल रहा है और इस तरकीब को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं मायावती के सबसे भरोसेमंद सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जय भीम के गगनभेदी जयकारों की आवाज सुनी और जहां तक निगाह जाए वहां अपनी नेता का इस्तकबाल कर रहे नीले झंडे थामे सैकड़ों उत्साही कार्यकर्ता। ये सत्ता के वनवास को खत्म करने का संकल्प लिए यूपी की चुनावी जंग में नए जोश के साथ उतरी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की केसरिया क्रांति में जब यूपी के सिंहासन पर भगवा सियासत का अभूतपूर्व उदय हुआ तो चुनावी पंडितों ने बसपा के राजयोग के सूर्यास्त की भविष्यवाणी शुरू कर दी। लेकिन 22 के महासमर में गजराज ने अपनी दमदार दावेदारी की गर्जना से चुनावी रणक्षेत्र में हलचल मचा दी है। जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले एक प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मीडिया को देखने के लिए मिल रही है। ये वो सेनापति हैं जिनकी बिछाई बिसात पर कभी बसपा ने अपनी दमदार मौजूदगी सियासत के रणक्षेत्र में दर्ज करवाई तो कभी इसी सेनापति ने समय की नब्ज को टटोलते हुए ऐसी रणनीति बनाई कि तमाम समीकरणों की बनी बनाई परिपाटी ध्वस्त हो गई और आजाद भारत के इतिहास में दलित उत्थान की नायिका मायावती बन गई यूपी की सियासत की महारथी। सतीश चंद्र मिश्रा जी की जो अहमियत है वो किसी और की नहीं है मायावती के बाद। वजह यह है कि यदि आप पूरे उत्तर भारत में जितने हिंदी भाषी राज्यों के नेता हैं सबके साथ कोई न कोई उसका एक ब्रिगेडियर सेनापति रहा है, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा एक ऐसे सेनापति हैं मायावती के, जो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो लगभग 25 साल से सतीश चंद्र मिश्रा जो हैं वो मायावती के साथ पूरी जिम्मेदारी से बने हुए हैं। मास लीडर न होते हुए भी वो पार्टी का बराबर चेहरा है। एक बार फिर सियासी रणभूमि से हाथी को लखनऊ दरबार तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं बसपा के सेनापति सतीश चंद्र मिश्रा।